और हिमाचल की सियासत से जुड़ी सूत्रों से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल में सीएम बदलने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता दें आपको, हिमाचल के सीएम सुक्खू का हटना लगभग तय। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस हाईकमान ने सुक्खू को हटाने का फैसला ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 21 विधायक सीएम सुक्खू से चल रहे हैं नाराज। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, करीब 21 विधायक सीएम सुक्खू से नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। हिमाचल की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, हिमाचल में सीएम बदलने की पूरी तैयारी में नजर आ रही है। बता दें आपको, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, हिमाचल के सीएम सुक्खू का हटना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने सुक्खू को हटाने का फैसला लिया है। करीब 21 विधायक सुक्खू से नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर अब बड़ी तैयारी में नजर आ रही है कांग्रेस। हिमाचल की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर बता दें आपको, हिमाचल में सीएम बदलने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, हिमाचल के सीएम सुक्खू का हटाना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने सुक्खू को हटाने का फैसला लिया है, सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन बता दें आपको, लगातार हिमाचल प्रदेश में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल की सियासत से जुड़ी बेहद बड़ी खबर बता दें आपको, हिमाचल में सीएम बदलने की तैयारी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, हिमाचल के सीएम सुक्खू का हटना लगभग तय माना जा रहा है। बता दें आपको, करीब 21 विधायक सीएम सुक्खू से नाराज चल रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। इसी बीच कांग्रेस की ओर से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार खतरे में है। इसी बीच हिमाचल में सीएम बदलने की तैयारी भी नजर आ रही है, हिमाचल के सीएम सुक्खू का हटना तय माना जा रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, संकट के बादल मंडरा रहे हैं कांग्रेस सरकार पर मात्र 14 महीने में, आखिर इसका कारण क्या है और किस तरह से बच सकती है कांग्रेस? जो अभी की वहां स्थिति है, वहां कांग्रेस को बहुमत मिला था राज्य के चुनाव में हिमाचल में, तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि वीरभद्र सिंह के परिवार से ही किसी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब चाहे वो उनकी पत्नी को बनाया जाए या फिर उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सुखविंदर सिंह सुक्खू को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। उस दिन के बाद से ही जो ये सारी फील्डिंग है वो हो रही थी, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक हैं उनमें भी असंतोष था। वो भी अब जैसा कि कहा भी जा रहा है कि जिन 6 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उनका दावा है कि वही नहीं, और 26 विधायक भी ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के मुख्यमंत्री ना हो। अभी जो राज्यसभा चुनाव वहां पर हुआ है उसको आप समझिए कि 43 विधायक थे कांग्रेस के पास, 40 अपने और 3 निर्दलीय विधायकों का उन्हें समर्थन था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास 25 विधायक थे, और यह माना जाता है कि जब एक ही सीट है तो वहां पर जो दूसरी पार्टी है वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है। लेकिन कहां 25 वोट और कहां 43, तो कांग्रेस बिल्कुल कंफर्म थी कि उनका प्रत्याशी वहां पर जीतेगा और अभिषेक मनु सिंघवी को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया। अब आप दूसरी तरफ देखिए कि जो हर्ष महाजन है वो वीरभद्र सिंह के परिवार के बहुत करीबी रहे हैं, कांग्रेसी नेता रहे हैं, और 2022 में ही वो बीजेपी ज्वाइन किया है उन्होंने, और उनको बिल्कुल अंतिम क्षणों में बीजेपी की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए उतारा गया। तो जब उनको उतारा गया था उस वक्त ही ये माना गया था कि बीजेपी की तरफ से कुछ खेल हिमाचल के अंदर राज्यसभा चुनाव में होगा। और उसके बाद जिस तरह से आप देखिए कि 6 जो एमएलए हैं उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई, और जो निर्दलीय थे उन्होंने भी बीजेपी के पक्ष में की। अब क्या था, बीजेपी के पास अपने 25 विधायक थे, 6 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय मिलके उनके पास हो गई 34 वोट। दूसरी तरफ 40 उनके अपने विधायक थे और 6 ने क्रॉस वोटिंग की तो उनकी भी 34 हो गई। अब दोनों की 34-34 वोट थी। तो इसके बाद
जो नतीजा था वो टाई हो गया, फिर जो भाग्य के ऊपर छोड़ा गया और उसमें लॉटरी की गई। आप देखिए कि पहले तो किस तरह से जो क्रॉस वोटिंग हुई उससे बीजेपी यहां तक पहुंची, और उसके बाद किस्मत ने भी कांग्रेस उम्मीदवार का साथ नहीं दिया और हर्ष महाजन लॉटरी में जीत गए। अब यह है कि आगे क्या भविष्य हो सकता है वहां सरकार का। जी, आप देखिए कि अब 34 विधायकों का समर्थन माना जा रहा है, लेकिन किसी को भी जादुई आंकड़े पार करने के लिए 35 विधायक चाहिए, वो किसी के पास भी नहीं है अभी, ना बीजेपी के पास ना कांग्रेस के पास। तो इसमें यह हो सकता है कि जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, कांग्रेस उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दे। उसके बाद आप देखिए कि 68 विधायक वहां पर हैं, जिनमें से कि 4 की यदि सदस्यता चली जाती है तो फिर बचते हैं वहां पर 64, और 64 के लिए फिर सरकार बनाने के लिए 32 जो विधायक है उनकी आवश्यकता होगी, और वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे, क्योंकि जिन 6 ने क्रॉस वोटिंग की है उनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। तो इससे तो एक बार सरकार बच सकती है कांग्रेस की। और जैसा कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है, कई जो विधायक हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यदि मुख्यमंत्री बदल दे कांग्रेस तो फिर सरकार बचाई जा सकती है। तो इसके लिए भी कांग्रेस ने अब 2 ऑब्जर्वर वहां बनाकर भेजे हैं अपने वरिष्ठ नेता। एक तो डिप्टी सीएम है कर्नाटक के, उनको भेजा है, और दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा से। इन 2 को वहां ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। अब वो फैसला करेंगे कि पार्टी का आगे किस तरह का डिसीजन रहता है, और क्योंकि कल आप देखिए कि बजट भी वहां विधानसभा में पास होना है। तो ये कई चीजें हैं, और अभी ये देखना होगा, क्योंकि जैसा कि बीजेपी की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं विधानसभा में। जी, लेकिन नागेंद्र, अब जिस तरह की अफरा तफरी मची हुई है कांग्रेस में, समझाने की कोशिशें भी हो रही होंगी, हर तरह से मनाने की कोशिशें जारी होंगी, पहले से ही अंदेशा था उन्हें कि उनके विधायक नाराज चल रहे हैं, तो पहले क्या इस चीज को वो लाइटली लेते, इस पर काम क्यों नहीं किया गया? देखिए, सबसे पहले जो विधायकों की नाराजगी थी वो ये थी कि जो राज्यसभा उम्मीदवार कांग्रेस ने वहां पर बनाए अभिषेक मनु सिंघवी, उनका विरोध हो रहा था कि उनको वहां से कोई लोकल अपना लीडर चाहिए था, जो विधायक हैं कांग्रेस के, तो उनका विरोध हो रहा था। उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्कू ने भी प्रस्ताव रखा था कि आनंद शर्मा को वहां से राज्यसभा का टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने वहां से अभिषेक मनु सिंघवी को चुनावी मैदान में उतार, उनका विरोध अभी जो कहा जा रहा है, जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनका कहना है कि उन्होंने इसीलिए क्रॉस वोटिंग की क्योंकि जो प्रत्याशी था पार्टी का वो बाहरी था, और सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी वहां पर विरोध है। तो ये 2 पॉइंट हैं जिनको लेकर वहां कांग्रेस में टूट होती हुई दिखाई दे रही है। नेहा जी, इस तरह के जो तमाम अटकलें लगाए जा रहे हैं कि अब सीएम पद से हटाया जा सकता है सुक्खू को भी, इनमें कितनी सच्चाई है, और इसको लेकर कांग्रेस की ओर से क्या कुछ फैसला आगे लिया जा सकता है और बड़ा? देखिए, अभी की आप स्थिति देखिए, अब जबकि विक्रमादित्य सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है, और आप ये यहां नोटिस कीजिए कि विक्रमादित्य सिंह उन विधायकों में नहीं थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, यानी कि अब जो आंकड़ा है असंतोष जिन विधायकों में है वो 6 से ज्यादा है, तो फिर समस्या सरकार के लिए आगे हो सकती है, और खास तौर से सुक्कू के लिए आगे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैंडेट उनके पक्ष में अब दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरह से अभी विक्रमादित्य सिंह ने भी इस्तीफा दिया है। अब जो फैसला है वो उन ऑब्जर्वर को लेना है जो कि पार्टी की तरफ से वहां भेजे गए हैं, तो देखते हैं कि क्या फैसला अब कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से आता है। सुखविंदर सिंह सुक्कू को वो कंटिन्यू करते हैं, और फिर जो विधानसभा में उनको अपना मैंडेट साबित करना होगा, तो ये सारी चुनौतियां अभी उनके सामने हैं। नागेंद्र, यहाँ पर एक सवाल लगातार बना हुआ है कि लगातार चाहे हम किसी की भी बात करें, तमाम कांग्रेस के जो नेता रहे हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, नेतृत्व की ओर से उनको लगातार नजरअंदाज किया गया है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आज ये स्थिति है, तो क्या ऐसा नहीं माना जा सकता कि कांग्रेस ही अपनी स्थिति की जिम्मेदार है?
बिल्कुल, आप देखिए कि जो बड़े नेता अब तक भी चाहे किसी भी स्टेट में कांग्रेस छोड़कर गए हैं, सबका यही कहना है कि कांग्रेस में जो केंद्र नेतृत्व है वो उनकी बातें नहीं सुनता है, जो उनकी समस्या है उन पर कोई सुनता ही नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी हो या दूसरे, और खास तौर से राहुल गांधी के लिए तो कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ने से पहले कहा है कि वो उन्हें मिलने का टाइम ही नहीं देते हैं। तो जो भी कुछ कांग्रेस के साथ हो रहा है, चाहे वो हिमाचल में या फिर दूसरे स्टेट में, उसका कहीं ना कहीं कारण खुद कांग्रेस के नेता ही हैं। जी, एक चीज और है कि विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन नाराजगी का कारण भी उनका स्पष्ट है, उनके परिवार की नाराजगी का कारण कितना बड़ा रहा ये सभी जानते हैं, और अभी उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद वो अपना फैसला लेंगे, यानी कि अभी भी कांग्रेस और उनके बीच में कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए, अभी कांग्रेस की जो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं वो विक्रमादित्य सिंह की मां ही हैं और वो एमएलए भी हैं, तो अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारी चीजें खराब हो रही हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति दिख रही है उससे ये तो साफ है कि कांग्रेस में वहां सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, और इसी बिगड़े हुए खेल को शायद सही करने के लिए वहां पर कांग्रेस ने अपने दो ऑब्जर्वर भेजे हैं। हो सकता है कि बातचीत के माध्यम से इसका कोई नतीजा निकल कर आ सके। बिल्कुल नागेंद्र, देखना होगा कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश की सरकार किसके हाथ में रहती है, किसके हाथ से फिसल जाती है।